चोरों को एक्सपोज करने वाली इस वीडियो में आप सबका वेलकम। इन चोरों की सामान लूटने की तकनीक और चलाकियां आपको हैरान कर देंगी। इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं होता, पैसों के लिए ये किसी भी जगह पर चोरी कर सकते हैं। ये औरतें सोना चोरी करने की जो तकनीक यहाँ लगाने वाली हैं आपके होश उड़ा देगी। पहले ये दुकानदार को सोने की बालियाँ दिखाने का कहती हैं। जैसे ही बॉक्स पास आता है तो ये असली बालियाँ उठाकर वहाँ पर फौरन नकली बालियाँ रख देती हैं और एक नहीं बल्कि दो तीन बालियाँ बदल डालती हैं। जरा इस जैकेट और शलवार कमीज पहने बाबा जी को देखिएगा। ये जो कार्रवाई डालेगा इसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। पहले तो ये कितनी चलाकी से मोटरसाइकिल पर बैठे आदमी को अपनी बातों में लगाता है और फिर जबरदस्त कार्रवाई डाल देता है। इन चोरों का हाल देखें जो कि शिकार के लिए बैठे हैं। पहले वो कॉल पर अपने किसी साथी से आसपास का जायजा लेते हैं। जब हर चीज क्लियर हो जाती है तो ये बंदा अपना टैलेंट दिखाता है और गाड़ी से एलसीडी निकाल कर ले उड़ता है। आज सुबह इसमें से ना एलसीडी चोरी कर दी गई है। पहले तो इन्होंने शीशा तोड़ दिया पूरा, पूरे जर्रे पड़े हैं और ये यहाँ से इन्होंने कोई टूल घुसाया है। ये तरीके कार खोलने का और ये पूरी एलसीडी निकाल दी और ये हर किसी के साथ हो रहा है कराची में रहने वालों के। इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसी दुनिया में रिश्वतखोर पुलिस वाले भी पाए जाते हैं जो कि मुआशरे में किसी कैंसर से कम नहीं है। इसी दुनिया में धोखेबाज भिखारी भी हैं जो डोंग रचा कर लूटते हैं। अब जरा इस औरत को ही देख लें। पहले अल्लाह के नाम पर सवाल करती है और फिर ऑयल की बोतल को अपनी चादर में लपेट चोरी कर लेती है। यहाँ तीन लोग बैठे थे लेकिन कोई भी इस औरत के हाथ की सफाई को ना पकड़ सका। ये वीडियो दोस्तों 2023 में इसी रमज़ान की है जहां पर बाजार आई ये आंटी किसी आदमी का सामान से भरा शॉपर ही चुरा लेती है। शैतान तो रमज़ान में कैद हो जाता है लेकिन उनके चेले इंसान हमेशा यहीं रहते हैं। दोस्तों हमारे मुआशरे को वैसे सलाम ही है जो कि किसी को सुकून से अफतारी भी नहीं करने देता। ये लुटेरे दोस्तों हमारे मुआशरे को वैसे सलाम ही है जो कि किसी को सुकून से अफतारी भी नहीं करने देता। ये लुटेरे बड़े आराम से आकर इन बंदों की जेबें खाली करते हैं। अगर कोई बंदा इसे जानता है तो ज़रूर इसकी रिपोर्ट पुलिस को दे। चोरों का दोस्तों कोई दीन ईमान नहीं होता। इस बंदे के पीछे पुलिस लगी हुई थी और यह पुलिस से बचने को मस्जिद में नमाज पढ़ने की एक्टिंग शुरू कर देता है और ये काली शलवार कमीज वाला आदमी मस्जिद में इतकाफ पर बैठने आया था और दूसरे नमाजी की नींद का फायदा उठाकर उसका मोबाइल फोन चोरी करके ले उड़ा। चोरी करने में इस आंटी का तो कोई जवाब नहीं है। पहले धक्का देते हुए ये चलाकी से साथ वाली औरत के पर्स को खोल लेती है, फिर दुकानदार से कोई चीज़ लेने के बहाने मौका देखते ही साथ वाली का पर्स निकाल लेती है। औरत को शक तो हो जाता है लेकिन चोरने की किस्मत अच्छी थी। वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।